हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं भागवत गंगन आपका अपने यूट्यूब चैनल लैपटॉकोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे बोन मैरो डोनेशंस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आयरन स्टेनिंग मेथड्स के बारे में स्टडी करेंगे। डिटेक्शंस ऑफ आयरन इन द बोन मैरो एज प्रिपेयर्ड स्मेयर, जो हमने स्मेयर प्रिपेयर किया था उसमें, इसमें मेथड्स का नाम है पल्स स्टेनिंग मेथड्स जो होती है, जो कि प्रूसियन ब्लू रिएक्शंस पर डिपेंडेंट होती है। फ्रेंड्स, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेशंस यही है फ्रेंड्स कि इसमें आयरन डिफिशेंसी एनीमिया की कंडीशन में जो आयरन स्टोर होती है वो कम्प्लीटली डिप्लीट हो जाती है, और सिडरोप्लास्टिक एनीमिया की कंडीशन में जो होती है और जो आयरन होती है वो इंक्रीज कर जाती है इन द नंबर ऑफ आयरन ग्रेनुल्स इज ऑब्जर्व्ड। जो आयरन ग्रेनुल्स होती है वो इंक्रीज कर जाती है, जो कि ऑब्जर्व्ड होती है, दिखाई देने लगती है। इसका प्रिंसिपल ये है फ्रेंड्स कि आयरन जो कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं लाइक दिस, जैसे कि हीमोसिड्रिन हो या फिर फेरेटिन हो, जो आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स होती है वो पोटेशियम फेरसाइनाइड जो कि रिएजेंट्स में मौजूद होते हैं उसे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करके ये प्रूसियन ब्लू कलर देता है फ्रेंड्स, प्रोड्यूस करता है, और यही इसका बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। रिएजेंट्स, इसमें रिएजेंट्स 4% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 4 ग्राम पर डेसिलीटर पोटेशियम फेरसाइनाइड और स्टॉक बेसिक फ्यूजन सॉल्यूशंस की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब ये स्टॉक बेसिक फ्यूजन सॉल्यूशंस कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए बेसिक फ्यूजन 1 ग्राम लेते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल 10 ml और 5% फिनॉल जो है हम 90 ml लेते हैं। इन सब को मिक्स करके हम स्टॉक सॉल्यूशंस तैयार करते हैं, जो कि बेसिक फ्यूजन होती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्किंग बेसिक फ्यूजन, अब ये स्टॉक सॉल्यूशन जो हमारा बना हुआ है उसे वर्किंग सॉल्यूशंस का हम तैयार करते हैं। तो 3 ml क्या करते हैं, हम स्टॉक बेसिक फ्यूजन लेते हैं, जो स्टॉक सॉल्यूशन होती है उसका लेते हैं, उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं, और फॉर्मेलडिहाइड रिएजेंट्स की आवश्यकता होती है और एब्सोल्यूट अल्कोहल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, अब इसका प्रोसीजर की बात करते हैं। मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ रिएजेंट 1 एंड रिएजेंट 2 इन स्टैंडिंग जार, एक स्टैंडिंग जार लेते हैं, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला पार्ट हो गया और जो सेकंड वाला हो गया, सेकंड रिएजेंट जो होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो पोटेशियम फेरसाइनाइड, दोनों को का जो वॉल्यूम है इक्वल वॉल्यूम में लेते हैं स्टैंडिंग जार में। डिप द स्मेयर इन द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, और स्मेयर को इसमें क्या कर लेते हैं 10 मिनट्स के लिए डिप कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फिर टैप वाटर से रिंस कर लेते हैं और इमर्स इन वर्किंग बेसिक जो फ्यूजन सॉल्यूशन हमने तैयार किया है उसमें हम क्या करते हैं नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए डिप कर लेते हैं, फिर उसमें से निकालने के बाद वॉश कर लेते हैं टैप वाटर से, देन रिंस विद एब्सोल्यूट अल्कोहल, फिर एब्सोल्यूट अल्कोहल से रिंस कर लेते हैं, फिर अगेन टैप वाटर से वॉश करते हैं, एयर ड्राई करते हैं और अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस की मदद से इसका क्या करते हैं क्वालिटी चेक करते हैं, देन इसका हम ऑयल इमर्सन लेंस की मदद से एग्जामिन करते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखते हैं हम, ये एक नॉर्मल आयरन जो स्टैन होती है उसका है, ये ब्लू कलर्ड जो इसमें ये आयरन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और जबकि यही जो है आयरन डिफिशेंसी, ये ब्लू कलर का सब आयरन पार्टिकल्स होते हैं या आयरन कंपाउंड होते हैं, और जबकि यही जो आयरन डिफिशेंसी कंडीशंस में ये इस प्रकार दिखाई देते हैं, आयरन डिफिशेंसी एनीमिया की कंडीशंस में। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा आयरन स्टैनिंग के बारे में। तो